पर्टिकुलरली एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए 21A द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21A में है। 86th अमेंडमेंट में इसको 2002 में शामिल किया गया। 45 जो थे आर्टिकल नंबर पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, 86th अमेंडमेंट से पहले वहां था, लेकिन अब ये जो 21A में आ गया है। स्टेट शैल प्रोवाइड, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट भी बोल देते हैं, लेकिन पूरा नाम है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ 16 एंड 14 ईयर। तो ये सारे 8-10 क्वेश्चन इसके बनते हैं। अगली बात है कि नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, बिफोर 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड ए प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लर्न कैसे करना है, सबसे पहले मैंने यहां लिख लिया 21A, ये लिख लिया ए, ए क्योंकि वॉवल है, मैंने वॉवल को कर दिया, ये भी वॉवल है, वॉवल से रिलेटेड है, इसको एलिमेंट्री एलिमेंट्री एजुकेशन ऐसे ब्रीफ में लिख लिया है ना। तो साथ में लिख लिया क्या, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एजुकेशन तो यहां पर है ही, तो ये मीनिंग यहां तक क्लियर है। अब जो बाकी क्वेश्चन बनते हैं उनको लर्न कैसे करना है वो जरूरी है। मैंने दो को उठाया, यहां पर लिखा कि ये कब जो था आर्टिकल इस धारा में आ गया, 2002 लिख दिया। अच्छा, 2002 के ये 00 हैं, इन 00 को मैंने जोड़ दिया, ये बन गए ऐसे 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 जोड़ के, ये 8 बन गया, ये 8 मैंने सीधा करके लिख दिया और मुझे याद आ गया कि 86th अमेंडमेंट में जो हम पीछे लर्न करके आए हैं, अमेंडमेंट में इसको 21A में शामिल किया गया। अच्छा, 86th से पहले इधर एरो लगा लिया, ये फिर वो कहां था, अच्छा फिर इससे पहले वो था 45 पार्ट 4 में, इसको पार्ट भी लिखना है, पूरा इतना ही काफी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में 45 आर्टिकल में ये शामिल था, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, कि स्टेट को डायरेक्शन है कि उसे ये करना चाहिए, लेकिन वो बाध्य नहीं है। फंडामेंटल राइट में स्टेट की 100% और पेरेंट्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कि 21A से पहले ये आर्टिकल कहाँ था, आप कहोगे 45 और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, अब साथ में ये तो 8 से पहले आ गया, अब मैंने 6 को उड़ाया, 6 को उठा के यहां पर एरो लगाया और लिख लिया 6 से 14 साल ईयर के, इतनी जिम्मेवारी जो स्टेट की बनती है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। और इसमें क्या पता लग रहा है कि अगर यह एजुकेशन देनी है तो ये हो गई, ऊपर बात करके आए हैं एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, तो एलिमेंट्री एजुकेशन 14 साल तक अगर आपने देखना है निकाल के कि कितने क्लास तक ये बनती है, इसमें से 5 और 6 माइनस कर दीजिए, आपको ए क्लास मिल जाएगी। 14 में से 6 अगर माइनस करते हैं तो आप लगभग क्लास 8th क्लास में बच्चा, नॉर्मल बच्चा जो है 14 साल का होता है और 6 साल में वो पहली क्लास में होता है, ठीक। तो इट मींस फर्स्ट से 8 क्लास तक ये क्लास बन गई, क्लास तक ये जो है राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन दिया गया है। और ये बात है, अगर ये एलिमेंट्री एजुकेशन लिखा है, ये लिखा है, इट मींस के ये यहाँ लिखने लगा हूँ नॉट फॉर हायर एजुकेशन और प्लस नॉट फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन, यहां लिख देता हूं प्रोफेशनल
एजुकेशन, ठीक। ये सारे क्वेश्चन जो 21A से बनते हैं इसमें शामिल है। अलग से क्वेश्चन जो होंगे, नीचे लिंक दिया गया होगा, उसमें ये जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर एक वीडियो मिल जाएगा, लिंक क्लिक कीजिए, आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में भी जो आर्टिकल 1A से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। तो ऐसे आप इस जो है प्रोसेस से लर्न कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन 21A की, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।